जबलपुर के नए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया। देखें ये रिपोर्ट। जबलपुर जिले के नए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया। दीपक कुमार सक्सेना वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। दीपक कुमार सक्सेना संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश भोपाल और प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश राज भंडारण गृह निगम भोपाल में पदस्थ थे। जबलपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता को समय पर पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता सरकार की होती है और कलेक्टर का काम उन प्राथमिकताओं को समय सीमा के भीतर पूरे करने का काम होता है। दीपक सक्सेना ने कहा कि जबलपुर जिले में धान उपार्जन बहुत अच्छा चल रहा है। धान उपार्जन में जो शिकायतें आई उन शिकायतों में आई और 7-8% धान में ही इशू है। कुछ गोदामों में किसानों में धान इकट्ठा हो गया है, वहां से धान परचेस करना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वास्तविक किसानों की पहचान हो जाए, जो उनकी उपज है गोदामों में इकट्ठा है उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाए और समय सीमा में उनकी खरीद हो जाए। अभी तो मैं आए हूँ, प्राथमिकताएं तो सरकार डिसाइड करती है, उन प्राथमिकताओं को समय सीमा में पूरा करना हमारा काम है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी प्राथमिकताएं सरकार डिसाइड करे उसको हम समय से पहले पूरा कर दें और बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर दें। सर, जो मौजूदा हालात बने उपार्जन को लेकर, धान उपार्जन, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए उपार्जन तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और जो उपार्जन में जो शिकायतें आई हैं उस शिकायतों में मुश्किल से 7-8% धान में ही थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। जितना टोटल यहाँ पर प्रिक्वायरमेंट होता है उसका, उस धान में भी जो मोटे तौर पर इशू यह है कि कुछ गोदामों में धान इकट्ठा हो गया है और उन गोदामों से किसानों का वहाँ से धान परचेज करना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसान वास्तविक किसानों की पहचान हो जाए, जो उनकी उपज वहाँ इकट्ठा है उसकी गुणवत्ता की जाँच हो जाए और समय सीमा में उनकी खरीदी हो जाए, जो वास्तविक कृषक हैं और जो इनका FAQ है उनका। अभी चूंकि मौसम खराब है तो किसान इस बात का डर नहीं है कि बाहर जो धान रखा हुआ है कहीं और ज़्यादा खराब। अब बाहर देखिए क्या होता है कि किसानों ने ही रखा है बाहर, तो गोदाम मालिकों ने रखवाया है। राज्य शासन से भी आदेश जारी हुए हैं और हमको भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि गोदाम संचालकों की चूँकि या तो मौन सहमति रही है या मुखर सहमति रही है, दोनों में से कोई ना कोई एक सहमति रही है, तब उनके प्रमाइसेज में लोग जो है धान रख के गए हैं, उनके भरोसे रख के गए हैं, तो उस भरोसे को बरकरार रखना उनका काम है। हम उनकी पूरी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि धान जो है यदि बारिश आती है तो ख़राब ना हो, और मान लो किसी वजह से भीग जाती है तो उसको सूखा के उसका अपग्रेडेशन करके उसको काम में ले लिया जाए। सर, जिन गोदामों को ब्लैकलिस्टेड किया है राज्य शासन ने, जानकारी मिली है कि उन गोदामों में धान अंदर एंटर की जा रही, रखी जा रही है? अभी किसी भी गोदाम को राज्य शासन इस तरह से ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जिन गोदामों में आप धान की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से ही धान रखी हुई है। अब नई धान कौन सी ले जा रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, इसके मैं चेक कराऊंगा क्या मैटर है। कौन से बोनस को लेकर? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, वो तो राज्य सरकार ही तय करेगा, जब मैटर आएगा हम आपको बता देंगे। जबलपुर से ब्यूरो चीफ वाजिद खान की रिपोर्ट।